You crashed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very... दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या हुआ उन 12 पुरुषों के साथ जिनके कदम चांद पर पड़े थे? याद है ना चांद पर कदम रखने वाले वो चेहरे? चांद छुपा बादल में, चंदा मामा दूर के, चांद सी महबूबा हो मेरी, जैसे कई गाने हैं जो चांद पर लिखे गए। इन्हें लिखने वाले शायद कभी चांद पर नहीं गए, लेकिन उनकी कल्पनाओं में शायद चांद ऐसा है। आपको वो लोग याद है ना जो चांद पर जा चुके हैं? लेकिन नील आर्मस्ट्रांग तो सबको याद है, क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। लेकिन इसके बाद भी कई अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए और उसकी ज़मीन पर अपने निशा छोड़े, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं पहचानती, क्योंकि दुनिया फर्स्ट नंबर वाले को याद रखती है। आज हम यहाँ आपको उन 12 पुरुषों के बारे में बताने जा रहे हैं जो चांद पर गए, लेकिन आजकल वो हैं कहाँ, इसके बारे में शायद ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर आते हैं नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 को चांद पर गए अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन गए थे। एक अंतरिक्ष यात्री और वैमानिक इंजीनियर नील आर्मस्ट्रांग साल 1971 में नासा द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से जब रिटायर्ड हुए, इसके बाद उन्होंने कई बिजनेस के लिए एक कॉरपोरेट प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया। आर्मस्ट्रांग ने पब्लिक इवेंट्स में अपनी बात रखी, एक साइंस सीरीज की मेज़बानी भी की, इसके अलावा कॉलेज में पढ़ाया भी। 5 अगस्त 1930 में जन्मे आर्मस्ट्रांग का साल 2012 में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, इसके बाद आते हैं बज एल्ड्रिन। एल्ड्रिन भी अपोलो 11 मिशन पर गए थे, वह दूसरे शख्स थे जिनके कदम चांद पर पड़े थे। 86 साल की उम्र में एल्ड्रिन ने साउथ पोल तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड भी कायम किया। वह ऐसा करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। साल 2016 में इस टाइटल को हासिल करने के बाद उन्होंने कहा था, मैंने मौत को बेहद करीब से देखा है। हाल ही में एल्ड्रिन अपने बच्चों के साथ कानूनी विवाद के कारण सुर्खियों में रहे थे। 90 वर्ष एल्ड्रिन फ्लोरिडा में रहते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं एलन बीन। कॉनराड के साथ अपोलो 12 के चालक दल में एलन बीन भी शामिल थे। वह चंद्रमा पर कदम रखने वाले चौथे शख्स थे। दोस्तों, इसके बाद आते हैं पेटे कॉनराड। पेटे कॉनराड चांद पर कदम रखने वाले तीसरे शख्स थे। वह नवंबर 1969 में हुए अपोलो 12 मिशन का हिस्सा थे। साल 1973 में नासा से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने एक बिजनेसमैन के तौर पर काम किया, लेकिन साल 1999 में कैलिफोर्निया में उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई। वह 69 साल के थे। दोस्तों, इसमें फिर नाम आता है एलन बीन का। कॉनराड के साथ अपोलो 12 के चालक दल में एलन बीन भी शामिल थे। वह चंद्रमा पर कदम रखने वाले चौथे शख्स थे। नासा से साल 1981 में रिटायर्ड होने के बाद वह एक पेंटर बन गए और उन्होंने पेंटिंग्स में अपने स्पेस सूट के टुकड़े का इस्तेमाल किया। यह शख्स 86 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया। इसी वर्ष मई में उनका निधन हुआ था। दोस्तों, इसके बाद पाँचवें नंबर पर आते एलन शेफर्ड। अपोलो 14 मिशन का हिस्सा रहे एलन शेफर्ड ने फरवरी 1971 में चंद्रमा की धरती पर पांव रखा था। शेफर्ड साल 1974 में नासा से जब रिटायर्ड हुए, इसके बाद उन्होंने बैंकिंग और रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया। उनकी मृत्यु 1998 में ल्यूकोमिया से हुई। वह 74 साल के थे। दोस्तों, इसके बाद आते हैं एडगर मिशेल। दोस्तों, एडगर मिशेल शेफर्ड के साथ अपोलो 14 मिशन पर गए थे। एडगर मिशेल छठे शख्स थे चांद पर कदम रखने वाले। नासा से 1972 में रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया में एक गैर लाभकारी संगठन नोएटिक साइंसेज संस्थान की मदद की, जो ESP और अन्य मानसिक घटनाओं का शोध करता है। साल 2016 में फ्लोरिडा में 85 वर्ष की उम्र में मिशेल की मृत्यु हो गई। दोस्तों, सातवें नंबर पर आते हैं डेविड स्कॉट। अपोलो 15 क्लासिकल के अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट जुलाई और अगस्त 1971 में चांद पर गए। साल 1977 में नासा से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने लेखक के रूप में काम किया। इसके अलावा वह अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए कंसल्टेंट बन गए। स्टोक कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं जेम्स अरविन। जेम्स इरविन चंद्रमा पर चलने के लिए 8वें शख्स बने। वह 1972 में नासा से रिटायर्ड हुए और ईसाई धार्मिक आउटरीच संगठन हाई फ्लाइट फाउंडेशन की स्थापना की। इरविन की मौत हार्ट अटैक से साल 1991 में हुई। वह 61 साल के थे। इस वजह से वे चांद पर जाने वाली यात्रियों में सबसे पहले मरने वाले शख्स बने। दोस्तों, इसके बाद नाम आता है जॉन यंग का। अपोलो 16 मिशन पर जाकर अप्रैल 1972 को जॉन यंग चांद पर चलने वाले 9वें शख्स बन गए। 2004 में रिटायर्ड होने से पहले उन्होंने नासा के लिए करीब 40 साल तक काम किया। इसकी वजह से
उनका स्पेस शटल कोलंबिया मिशन पर काम करना था। जॉन की मृत्यु इस साल जनवरी में हुई, वह 87 साल के थे। दोस्तों इसके बाद नाम आता है चार्ल्स ड्यूक का। चार्ल्स ड्यूक उसी अपोलो 16 मिशन का हिस्सा थे जिसमें जॉन यंग थे। चार्ल्स चंद्र पर चलने वाले 10वें व्यक्ति हैं। वह साल 1975 में नासा से रिटायर्ड हुए। इसके बाद उन्होंने जेल मंत्रालय में काम करना शुरू किया। अब चार्ल्स 85 साल के हैं और टेक्सास में रहते हैं। इस दौरान वह एस्ट्रोनॉट स्कॉलरशिप फाउंडेशन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों चार्ल्स ड्यूक के बाद नाम आता है यूजीन सेरेनन। अपोलो 17 मिशन के दौरान चंद्रमा पर जाने वाले यूजीन सेरेनन 11वें व्यक्ति थे। सेरेनन वो शख्स भी हैं जिन्होंने आखिरी बार चंद्रमा की सतह पर अपने कदमों के निशान छोड़े। वह साल 1976 में नासा से रिटायर्ड हुए और एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। इसके अलावा वह गुड मॉर्निंग अमेरिका के लिए भी कमेंटेटर के तौर पर काम कर देते थे। सेरेनन की मौत टेक्सास में जनवरी 2017 को हुई, वह 82 साल के थे। दोस्तों इसमें आखिरी नाम आता है हैरिसन स्मिथ का। चंद्रमा पर कदम रखने वाले हैरिसन स्मिथ उसी अपोलो 17 मिशन पर जियोलॉजिस्ट यानी कि भूविज्ञानी थे जिस पर यूजीन सेरेनन गए थे। इन्होंने नासा में 1975 में रिटायर्ड होने के बाद यूएस सीनेट में एक साल के लिए रिपब्लिकन के रूप में न्यू मैक्सिको का प्रतिनिधित्व किया। हैरिसन ने विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाने का काम भी किया। वह 85 साल के हैं और न्यू मैक्सिको में रहते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें।